हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विशाल आनंद है और टेक्निकल प्रैक्टिकल गुरु में आपका आज स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें ये बताने वाले हैं कि कंटिन्यूटी टेस्टर जो मल्टीमीटर का होता है उससे हम लोग LED चेक कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कंटिन्यूटी टेस्टर से ही चेक कर पाते हैं? तो इसी चीज़ का प्रैक्टिकली देखेंगे कि ऐसा हमको वहाँ से क्या मिल जाता है जो वहाँ पे LED जलने के लिए सेफ होता है। तो बेसिकली हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक LED नॉर्मल LED जो होता है उसको जलने के लिए 2.7 वोल्ट चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी टेस्टर पे हम लोग को कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलता होगा DC के फॉर्म में, तो जिसके कारण LED जल पाता है। तो इसके लिए अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने दो मल्टीमीटर का यूज़ किया है, दोनों सेम कंपनी का है, HTC का है। एक में कंटिन्यूटी पे सेट करके रखेंगे और एक में DC वोल्ट मीटर पे, क्योंकि मल्टीमीटर से जो आउटपुट मिलता है वो हमको DC के फॉर्म में मिलता है। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तीन जगह प्रोब लगाया गया है, एक कॉमन जो कॉमन जहाँ पे फिक्स होता है और जो रेड वाला है वो आपका वोल्ट और रेजिस्टेंस पे जो लगता है वहीं पे लगाया हुआ है। तो करना क्या है कि कंटिन्यूटी टेस्ट करके आपको ये दिखाना है कि वहाँ पे कुछ हमको सप्लाई मिल रहा है कि नहीं और अदर पे सप्लाई मिलता है कि नहीं, तो एक एक पे आपको करके दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कंटिन्यूटी पे करके ये देख लेते हैं कि यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा है कि नहीं, यानी ये मेरा कनेक्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। तो अब दूसरे को क्या करना पड़ेगा, DC वोल्ट मीटर पे सेट करना पड़ेगा। DC वोल्ट मीटर पे सेट कर लिए, अब यहाँ से इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा होगा इस पे, जिसके कारण ये बल्ब जल जाता है और इस बल्ब को जलने के लिए 2.7 वोल्ट रिक्वायरमेंट होता है, कम से कम 2.7 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, इसको हमने वोल्ट मीटर पे सेट कर लिया है DC वोल्ट मीटर पे। अगर इस दोनों को पैरेलल कनेक्शन करें तो इसका वोल्ट, इस मल्टीमीटर का वोल्टेज इस पे शो करना चाहिए। तो पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस में लगाना पड़ेगा। ये देखिए 2.9 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये LED जल उठता है, लेकिन अदर जो इसके प्लेस हैं, जो दूसरे जगह हैं, उस पर क्यों नहीं जलता है, तो इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। इस पर अगर सेट करके रखे हैं तो ये देखिए 2.9 वोल्ट के आसपास आ रहा है। इसमें क्या करेंगे अब कि ये जो वोल्ट मीटर है इसको फिक्स रखेंगे, अब इसको मूव करवाएंगे कि अलग अलग पोजीशन पे देखेंगे कि इतना वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर अलग पोजीशन पे भी इतना वोल्ट मिलता तो दूसरी जगह पे भी मेरा LED जल सकता था, लेकिन नहीं जलता है। तो अब क्या करेंगे, इसका नोब को हम मूव करवाएंगे। देखिए यहाँ पे वोल्ट कम हो गया है 0.53, हर पोजीशन पे आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए कहीं पे भी वोल्टेज यहाँ पे 1.9 मिल रहा है, जो भी जलने के लिए सफिशिएंट नहीं है। देखिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये बल्ब जल सके। फिर से एक बार कंटिन्यूटी पे ले जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 2.98 वोल्ट मिल रहा है हमको। अब यहाँ पे अगर LED लगाएंगे तो देखिए ये जलने लगेगा, प्रैक्टिकली यही होता है। तो LED में जो बड़ा वाला पैड होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा वाला निगेटिव। ये देखिए LED ग्लो कर रही है, ठीक है फ्रेंड। तो यही रीज़न है कि सिर्फ इसी पोजीशन पे उनको LED चेक हो पाता है कंटिन्यूटी पे, बाकी जगह देखिए LED जलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उतना वोल्टेज ही नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये पता चल गया कि कंटिन्यूटी टेस्टर से ही हम LED को क्यों चेक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इससे रिलेटेड
कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको सोलर एनर्जी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे कमेंट में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू।